हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं राव शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हां, तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में देश भर में स्टूडेंट की स्टडीज जो है वो काफी रुकी पड़ी है। आपको पता है कि अभी हाल ही में स्कूल जो ओपन होने वाले थे वो भी ओपन नहीं हो पाए। सीबीएसई के एग्जाम जो होने वाले थे वो भी पोस्टपोन्ड हो गए। फाइनल ईयर के जो एग्जाम होने वाले थे वो भी पोस्टपोन्ड हो गए। तो अब जो यहाँ पे बचा हुआ था वो यही था, जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम का क्या हो रहा है। जी हाँ, जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम के स्टूडेंट्स जो थे काफी हद समय से वेट कर रहे थे कि भाई एग्जाम का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, कहने को बैड न्यूज भी है या कहें खुशखबरी भी है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने साफ साफ ये बात कही है कि जेई मेन्स और नीट के जो एग्जाम है उन्हें हम पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। जी हाँ, जेई मेन्स और नीट के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के अनुसार कहना यह है कि आपके जो जेई मेन्स के एग्जाम होंगे वो 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के आसपास होंगे। कहने का मतलब 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आपके जो जेई मेन्स के एग्जाम है वो आएंगे। नीट के एग्जाम की बात करें, जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके एग्जाम जो है वो 13 सितंबर से होंगे। और जेई एडवांस की अगर बात करें तो उनका जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट 27 सितंबर से होगा। हालांकि मैं बता दूं अभी भी ये फाइनल नहीं है, बट काफी हद तक कहा जा रहा है कि इस समय तक शायद संभावना है कि कोविड-19 के केसेस जो है वो संभल जाएंगे और एग्जाम जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। देखा जाए तो एक बैड न्यूज भी है कि हाँ, समय बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है आगे क्लासेस के लिए डिले होगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है क्योंकि आपको समय मिला है। जी हाँ, आप लोगों को बहुत समय मिला है। तो मेरे हिसाब से मैं जो कहूंगा वो यही कहूंगा कि लॉकडाउन को व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। काफी समय आप लोगों के पास, घर पे बैठिए, स्टडी कीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए। अभी आप लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फालतू का कोई काम है नहीं, लॉकडाउन वैसे चल रहा है। तो अभी आपका सारा फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए ताकि जो जेई मेन्स है, एडवांस है, नीट है, इनके एग्जाम आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और अच्छे से रैंक ले पाए। रही बात स्टडी की, अभी काफी दिक्कतें आ रही है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशन सेंटर्स ओपन नहीं है, तो भाई आप लोग ऑनलाइन स्टडी को प्रीफर कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज, जहां पर ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट बस यही करूंगा कि आप अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दीजिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे मेथड्स हैं, यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। पूरा फोकस कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एक विश्वास के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा रैंक लेकर आएंगे और इस बार जेई मेंस और नीट में आप लोग तहलका मचाने वाले। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। साथ साथ इतना भी कहूंगा कि इस वीडियो को अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाए और सभी स्टूडेंट को पता चल पाए कि उनका जो नीट का एग्जाम और जेई का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है और उनको प्रॉपर टाइम मिला है अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। तो बस प्रिपरेशन करते रहिए, खुद को बेस्ट बनाइए, ऑनलाइन स्टडी को प्रिफर कीजिए और अच्छे से अच्छे रैंक लाइए। हमारी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।